स्वयंभू बाबा आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन उसे अभी भी जेल में ही रहना होगा। दरअसल नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। ये जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। आसाराम दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसलिए वो जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से यह जमानत मिली है। अधिवक्ता नील कमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने अदालत में आसाराम का पक्ष रखा था। बता दें कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के रातानाडा थाने में आसाराम के पैरोकार रवि राय पर FIR दर्ज हुई और मामले में आसाराम को भी आरोपी बनाया गया। इस मामले में 18 जनवरी को आसाराम को CJM मेट्रो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आसाराम को आरोप सुनाए गए। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें उसे जमानत मिल गई है, लेकिन आरोपी फिर भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।